यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मनाली में आयोजित हो रहे इको टूरिज्म का आज दूसरा और आखिरी दिन है। सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। वहीं सम्मेलन के पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने शिरकत की। इस मौके पर राज्य सरकार ने 113 स्थलों को इको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए चयनित किया था। इनमें 5 स्थलों को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर, 16 को राज्य वन विभाग और 47 स्थलों को हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को शुरू करने के लिए दिया गया है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश इको पर्यटन समिति द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इको पर्यटन गतिविधियां न केवल लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ती है बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की मुख्य सृजक भी साबित हो सकती है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज आखिरी दिन है, किस प्रकार से ये पूरा सम्मेलन रहा? जी दीक्षिका जी, इको टूरिज्म का जो कार्यक्रम है, 2 दिन का यह सम्मेलन था, इसका दूसरा दिन है। तो पहले दिन जो मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर, उनके साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री के जल फाउंड भी मौजूद थे और काफी कुछ घोषणा यहाँ पर उन्होंने की है, जिसमें 113 स्थल है जहाँ पे इको पर्यटन को दृष्टि से विकसित किया जाएगा। जी, पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये सम्मेलन रहा, ऐसे में जो लोग हैं वहां पर उनका क्या कुछ नजरिया रहा इस सम्मेलन को लेकर? अब बिल्कुल, लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि जो इको टूरिज्म के कारण इसमें काफी रोजगार भी बढ़ेगा, युवाओं को भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही जो पर्यटन है वहां पर भी काफी फायदा इसमें होगा। जी, और क्या कुछ आज खास रहने वाला है? आज आखिरी दिन है तो सम्मेलन में जरूर कुछ ना कुछ खास जरूर होगा। और यहाँ पे जो अधिकारियों को है और साथ ही लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह इको टूरिज्म में आगे गति बढ़ानी है और किस तरह आगे इसमें कार्य करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।